नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बीच आईपीएल 2020 के एक मुकाबले में आंखों ही आंखों में झड़प हुई थी। ना बॉडी टच और ना ही तूतू मैं, बस दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वहीं विराट कोहली सूर्य कुमार यादव को स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना से कुछ ओवर पहले विराट कोहली ने ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद गाली भी दी थी। सूर्य कुमार यादव उस मुकाबले के हीरो रहे थे, जिन्होंने 79 रनों की पारी खेली थी और टीम को जीत दिला दी थी। अपशब्द वाला मामला तब देखने को मिला जब सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके मारे थे। इसके बाद चहल के ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के एक शॉट को कोहली ने रोका और इसके बाद हुआ सबसे दिलचस्प नजारा। कोहली और सूर्य कुमार यादव लगातार एक दूसरे को घूरते रहे, नजरें बिल्कुल भी नहीं हटी और ना ही कोहली से सूर्य कुमार यादव डरे। यह घटना काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर हिट हुई थी। क्रिकेट फैंस ने इसके बाद कोहली को खूब लताड़ा था। खैर, अब तो मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियन बन गई है, पर उस दौरान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच आखिर जो कुछ भी हुआ था, इस बात का जवाब खुद सूर्य कुमार यादव ने दे दिया है। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत के दौरान कोहली के साथ हुई झड़प को याद करते हुए कहा, मैच के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल था क्योंकि विराट कोहली मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खेले तुम, शानदार पारी और इसी तरह की और भी बातें। वो बिल्कुल नॉर्मल था, दूसरे दिन की तरह जैसे आप दोस्तों से मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जिन 60 और 65 मिनट में मैं बल्लेबाजी कर रहा था, उस समय मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन मैंने अपनी उस पारी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2020 में खेले गए 16 मुकाबलों में 145 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कुल 480 रन बनाए और इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 4 अर्धशतक भी लगाए थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।